ये इसमें इन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आप घर से अरेस्ट करते हुए दिखा रहे, तो फिर गांजा क्या घर से जब्ती दिखाई है क्या आपने इसकी? सर गांजा सर इसका जो निर्माणाधीन घर है सर वहां से जब्त हुआ है सर, अच्छा, नए घर में सर। सर और सीसीटीवी कैमरा भी नए घर में लगा है, वहीं से नहीं सर, गिरफ्तार सीसीटीवी किया इसको? कैमरा सर इसके घर पे नहीं लगाया सर, सीसीटीवी कैमरा से घर पे नहीं है सर, निर्माणाधीन मकान है वो तो सर। तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज इन्होंने दिखाया है, आपके सर सरकारी वकील साहब को भी दिखाया है, उसमें तो ये दिखा रहे हैं कि आप इनके वर्तमान मकान से जो है इनको अरेस्ट कर रहे हैं। ये जी कॉल ऐसे भी है सर। ऐसे ऐसे कैसे आप लोग कार्रवाई करते हैं भाई? गांजे की जब्ती नए मकान से, गिरफ्तारी जो है वो पुराने मकान से, माँ को मेमोरेंडम पर एक्यूज बनाया, माँ से जब्ती क्या की आपने 66 साल की लेडी से? थोड़ा सा अपने अधिकारियों को बोलिए कि कहानी बनाते वक्त थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड रखें। एप्लीकेशन है इसमें दो लोगों की एप्लीकेशन है सर, एक किशन सिंह है और दूसरा लक्ष्मी। किशन से पुलिस स्टोरी के अनुसार 19/5 को ये इसमें पैरा 7 में सर केफ डायरी का परिशीलन किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29/5/24 को थाना बुढ़ार की पुलिस को अवैध गांजा बेचने की मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर सेटिंग टोला किशन सिंह के निर्माणाधीन मकान के सामने पहुंचकर रेड कार्रवाई की है, तो पुलिस को देखकर अभियुक्त किशन सिंह अपने निर्माणाधीन मकान से अभी तो सर इन्वेस्टिगेशन भी सर पूरा नहीं हुआ, जी, 19/5 को तो। मेरा छोटा सा निवेदन सर, इसमें जो है ये इसको पुलिस, मैंने एक सीसीटीवी फुटेज लगाया सर, जिसमें पुलिस इसको घर से लेके जा रही है और ये लक्ष्मी को मेमोरेंडम के आधार में बना दिया सर। लक्ष्मी ये जो दूसरी वो है उससे कोई जब्ती कहाँ है नहीं है, सीसीटीवी फुटेज आपका? वो मैंने अलग पिटीशन में मैंने मार किया सर, अलग से डॉक्यूमेंट के साथ मैंने वो लगाया सर, फिजिकल होगा सर, वो सर लक्ष्मी क्यों? दोनों को वो एक दूसरे के घर में लगा है कैमरा, जिसमें पुलिस दिख रही है सर कि वो लेके इसको किशन को 19/5 को 3:10 पे जा रही है। ये बताइएगा भाई, मतलब इसके विरुद्ध में सर 5 केसेस इसके रजिस्टर विरुद्ध हुए नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज में सर। पुलिस घर से गिरफ्तार कर रही है, तो सर गांजे की जब्ती अन्य जगह से कैसे हो जाएगी? तो वो वेरीफाई कर लेते हैं सर कि वो सीसीटीवी वेरीफाई कैमरा करके 2:30 बजे बताइए, सर। देख लीजिए आप पेन ड्राइव, 2:30 बजे बताइए। हाँ सर मैंने तो देख लिया, साहब कनेक्ट किए हुए हैं सर, हाँ बताइए। अभिषेक दीवान जी सर, इज ए एडिशनल एसपी हाँ मालोट ठीक है, एडिशनल एसपी क्या चार्ज है एसपी के इज क्या? जस्ट मालोट, ही इज आउट ऑफ स्टेशन मालोट। सर अच्छा, यस मिस्टर दीवान नमस्कार सर, अभिषेक निवेदन कर रहा हूँ सर। जी, ये सर इसमें इन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आप घर से अरेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं किशन सिंह और सर अनदर, तो फिर गांजा क्या घर से जब्ती दिखाई है क्या आपने इसकी? सर गांजा सर इसका जो निर्माणाधीन घर है सर वहां से जब्त हुआ है सर, अच्छा, नए घर में सर। सर और सीसीटीवी कैमरा भी नए घर में लगा है, वहीं नहीं से सर, गिरफ्तार सीसीटीवी किया इसको? कैमरा सर इसके घर पे नहीं लगाया सर, सीसीटीवी हाँ, कैमरा से घर पे नहीं है सर, निर्माणाधीन मकान है वो तो सर। तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज इन्होंने दिखाया है, आपके सर सरकारी वकील साहब को भी दिखाया है, उसमें तो ये दिखा रहे हैं कि आप इनके वर्तमान मकान से जो है इनको अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, जो उसके भाई है सर कमलेश सर, उसको अरेस्ट किया गया सर, वो अन्य अपराध में अरेस्ट हुआ है सर। वो ऐसा सर, नहीं, तो कमलेश जो है, किशन सिंह और लक्ष्मी सिंह दो लोग हैं। सर वो मैं क्लियर कर दूं सर, हाँ वो क्या हुआ है कि ये पुलिस गई है वहां, हाँ कमलेश को सामने वाले गेट से ले गए हैं हाँ 19 तारीख को ही, हाँ और उसको जो है पीछे बाड़ी तरफ से ले गए हैं जो इसमें किशन है, हाँ और जब इसकी माँ गई है थाना में हाँ तो माँ को मेमोरेंडम के आधार पर मुलजिम बना दिया, तो कमलेश को दूसरे क्राइम में मारपीट में वो कर लिए, किशन को और उसकी माँ को गांजा में कर दिया, माँ को अच्छा मेमोरेंडम के आधार पर कर दिया कि माँ से मैंने खरीदा था गांजा अच्छा अच्छा जी, दो जब्ती, किलो और दस जब्ती कहाँ से दिखाई है गांजे की, वो कि घर से वो जो है, जो नया घर हाँ बना रहे हैं वहां से? वो नया घर बना रहे हैं वहां से, और कैमरा इनके पड़ोसी के घर में, किसी का पक्का घर है वहां लगा हुआ है नहीं, तो कैमरा जो है जी, वो नया जो मकान बन रहा है उसके पड़ोस में लगा है कि आपका वो जिसमें जो रहते जो हैं? पुराना घर है इनका हाँ एप्लीकेंट का, हाँ उसके सामने किसी जी का घर है, ठीक है, तो हाँ उसमें तो माँ को मेमोरेंडम पे कर दिया। बताइएगा क्या कुछ पॉलिटिकल है क्या इसमें? सर निवेदन कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल नहीं है सर, इनके तो पूर्व फिर आपराधिक क्या रिकॉर्ड ऐसे भी है सर। ऐसे ऐसे कैसे आप लोग कार्रवाई करते हैं भाई? गांजे की जब्ती नए मकान से, गिरफ्तारी जो है वो पुराने मकान से,
माँ को मेमोरेंडम पर एक्यूज बनाया, माँ से जब्ती क्या की आपने 66 साल की लेडी से? नहीं सर, माँ से जब्ती नहीं है सर, परंतु ये जो इसको आरोपी बनाया है सर वो 27 के मेमोरेंडम, 27 के मेमोरेंडम की क्या यूटिलिटी रहती है? आपने तो पढ़ा होगा एविडेंस एक्ट, 27 के मेमोरेंडम की क्या यूटिलिटी रहती है सर? वो चूंकि अपराध में शामिल रही है सर, इसलिए सर उसको 27 मेमोरेंडम में सर कराया है सर। बाकी सर ये जो जब सर उसके घर से बनी है सर, उसी है घर उसमें बनी है सर। लिखिएगा, ऑर्डर सुनिएगा। This is first bail application on behalf of the applicants Kishan Singh, son of late Vishnu Singh, aged about 21 years, and Shrimati Lakshmi Singh, wife of late Vishnu Singh, aged about 66 years, under section 439 CRPC. Next para. Case crime number 347 of 2024 is registered at police station Budhar, district Shahdol, under the provisions of section 8/20 of NDPS Act. Full stop. They are in custody since 19/5/2024. Next pair. Learned counsel for the applicant, Shri Brijesh Kumar Mishra, submits that recovery of ganja. Kitna hai? 1 kilo? 2 kilo, 210 gram. Has been shown from the house under construction, that is from an open place. Full stop. It is submitted that applicants have been arrested from their existing house where they are residing. This fact can be verified from the pen drive which has been filed along with the certificate filed IA 4495 of 2024 from their 24. Full stop. They submitted that applicant number 2 Lakshmi has been made and accused on the memorandum of the present applicant that he used to purchase ganja from his mother. Full stop. It is submitted that there is no seizure from Lakshmi. Next para. It is further submitted that present applicant has not been arrested from the spot from where ganja was seized. Facts galat nahi hona chahiye aap. Ji ji, ye rejection order mein hi likha hai sir. Haan, full stop. Thus, recovery from a open place which is accessible to the public will be of no consequence. Next para. This court had requested Shri Mohan Sausarkar, learned public prosecutor, to connect superintendent of police Shahdol to inquire about these facts, and was also requested to go through the pen drive containing CCTV footage. Next para. Shri Diwan Abhishek Diwan, additional SP, is present through video conferencing, as it is reported that superintendent of police Shahdol is on leave. Next para. Shri Diwan admits that recovery of ganja was made from a house under construction which belongs to the present applicants. Next paragraph. He also admits that Lakshmi has been made and accused on the memorandum and no seizure has been made from Lakshmi. Next paragraph. Taking all these facts into consideration and without commenting on merits, that there is no material to corroborate the involvement of Lakshmi and the story of prosecution that son will buy ganja from his mother is being inappropriate, comma, Lakshmi is entitled to grant of bail 50,000 to sureties. Next para. Since recovery of contraband has been made from an open place, that is an house under construction, as is admitted by Shri Abhishek Diwan, comma, it cannot be said to be prima facie recovery from the possession of the applicant Kishan Singh, and accordingly he too is enlarged on bail 50,000 to sureties. Chali. Thank you. थोड़ा सा अपने अधिकारियों को बोलिए कि कहानी बनाते वक्त थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड रखें।